मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रज़ामंदी माँ बाप की रज़ामंदी में है और अल्लाह की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में है। आज हमारा हाल क्या है, हमारी कंडीशन, हमारी सिचुएशन क्या है, मुस्लिम सोसाइटी का हाल इस वक्त क्या है, क्या माँ बाप की रज़ा की हमारे नज़दीक कोई फ़िक्र है, कोई अहमियत है? दोस्त नाराज़ हो जाए, बेचैन और बेकरार हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप अगर नाराज़ हमसे होते हैं हमें अफसोस भी नहीं रहता। इसको उसको राज़ी करने के पीछे हम न जाने कितना वक्त ज़ाया कर देते हैं, लेकिन क्या कभी हमने माँ बाप को राज़ी करने के लिए थोड़ी सी भी कोशिश की? अपने दिल पर हाथ रख कर के सोचिए, जिस माँ ने हमें अपने पेट में 9 महीने रख कर अपने जिगर का खून पिला कर हमें पाला पोसा बड़ा किया, जिस बाप ने पसीने की कमाई से, खून पसीने की कमाई से खून पसीना बहाकर रकम हमारे लिए लाकर हमें पाल पोस कर बड़ा किया, क्या उस बाप की हमारे नज़दीक कोई अहमियत है? अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखा, एक बेटा अपने बाप को मार रहा था। क्या ये मुस्लिम मुआशरा है? क्यों हमसे रब राज़ी होगा? क्यों हमको सुकून की दौलत मिलेगी? क्यों हमारे घर आबाद होंगे? क्यों बरकतें हमारे घर पर आएंगी? बेबरकती वाले काम हम करें, खुदा को नाराज़ करने वाले काम हम करें, और फिर सवाल भी करते हैं कि ये बेबरकती कैसी, हाँ ये बेचैनी कैसी? माँ बाप को राज़ी करो। पीर फकीरों, नकली ढोंगी बाबाओं के दर पर जा कर माल लुटा कर पेशानी घस घस के अल्लाह अकबर न जाने क्या क्या हम कर रहे हैं। इधर उधर मत जाओ, माँ बाप के हाथ चूमो, माँ बाप का ख्याल करो, उनकी अहमियत जानो और माँ बाप को राज़ी करने वाले काम करो। तमाम तकालीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर फरमा देगा।